अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मंसूर अली खान और मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। बिजली की कीमतों के तायुन में आवाम को लाजमी शामिल करना है। आवाम कहते हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है और कीमतों में इजाफा भी। लोड शेडिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिजली की कीमतों का तायुन किसके कहने पर किया, चेयरमैन नेप्रा से इस्तफसार। पंजाब हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात की तारीख पक्की कर दी। 7 दिसंबर को सूबे में बलदियाती इलेक्शन करा दें। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से बंदोबस्त करने की दरख्वास्त कर दी। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, राय ताहिर के खिलाफ मकान पर कब्जा कराने का इल्जाम साबित। इल्जाम साबित होने के बाद राय ताहिर को डीआईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर तैनात कर दिया गया। ये सजा है या मजा, तनजुली है या तरक्की। जाफर एक्सप्रेस में धमाके से जान बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगती कहते हैं हुकूमत बलूचिस्तान ने वाज़ेह पॉलिसी दे दी है, मज़ामतकार बंदूक छोड़कर मुज़ाकरात करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जेलों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने के लिए कमेटी बना दी। आईजी जेल खाना जात कमेटी के सरबरा होंगे। बरतानिया में दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 2 अफराद लंदन की अदालत में पेश। मुल्जमान के मेमोरी कार्ड से बम बनाने की मालूमात मिली हैं। एक का ताल्लुक अल्जीरिया, दूसरे का तुर्की से है। यूनुस खान के चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में गुबार। कहते हैं वनडे क्रिकेट से तो रिटायर हुआ नहीं, बोर्ड ने टीम से बाहर कैसे कर दिया, मैं तो हैरान हूँ। लग जा गले कि फिर ये हसीं रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और कराची है पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता। पाकिस्तान आइडल के लिए ऑडिशन में कराची से सामने आई बहुत सी सुरीली आवाजें।